दोस्तों, अगर आप भी श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत से खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप भारत की जीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका मानते हो, रोहित शर्मा का, ईशान किशन का या फिर श्रेयस अय्यर का। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही कि भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की T20 श्रृंखला शुरू हो चुकी है, जहाँ पहला मुकाबला इस T20 श्रृंखला का भारतीय टीम और श्रीलंका टीम के बीच में खेला गया। और इस मुकाबले में श्रीलंका टीम के कप्तान तासुन सनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना डाले और श्रीलंका की टीम को लक्ष्य दिया 200 रनों का। हालांकि 200 रन बनाना एकाना स्टेडियम में इतना ज्यादा आसान था नहीं, और इसी के सामने जब श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरी तो वो बस मात्र 137 रन ही बना सकी। और यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने उनके एक के बाद एक विकेट चटका दिए, जिसके चलते यहां पर पूरी श्रीलंका की टीम मुसीबत में पड़ती हुई दिखाई दी। तो वहीं दोस्तों, इस मुकाबले में श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा रनों की पारी खेली नाबाद रहते हुए चरित असालंका ने, जिन्होंने 47 गेंदों में 53 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके भी लगाए थे। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने पूरे 62 रनों से इस मुकाबले को जीता और 62 रन से इस मुकाबले को जीतने के बाद चारों तरफ खुशी का माहौल है। और वहीं हम आपको बताएं कि बतौर कप्तान रोहित शर्मा भारत की तरफ से सबसे ज्यादा लगातार T20 मैचेस जीतने वाले कप्तान भी बन गए हैं और उन्होंने इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ा। हालांकि दोस्तों, अब हम आपको बताएं कि इस पहले T20 मुकाबले को 3 मैचों की T20 सीरीज में जीतने के बाद अब हर कोई रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ कर रहा है, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बेहतर होती चली जा रही है। और इसी बीच रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर विराट कोहली का भी बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। जी हां दोस्तों, पहला T20 मुकाबला भारतीय टीम की जीतने के बाद विराट कोहली कहते हैं कि पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और रविंद्र जडेजा की वापसी के बाद टीम काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले मुकाबले भी इस सीरीज पर जरूर हमारी टीम ही जीतेगी। मुझे लग ही रहा था कि पहला T20 मुकाबला भारत बड़े अंतर से जीतेगा, क्योंकि जिस तरह से रोहित ने और साथ में ईशान किशन ने टीम की शुरुआत करवाई वो काबिले तारीफ है। और फिर अंत में आकर श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाल कर पूरा मैच का रुख ही पलट कर रख दिया, और यह अक्सर मैदान पर देखने के लिए नहीं मिलता है। कभी कभार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो कि हम याद रखते हैं, और रोहित की तो बेहतरीन कप्तानी हम सभी को मैदान पर दिखाई देती है, क्योंकि अगर टीम कोई भी मुकाबला जीतती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रोहित का रहता है, क्योंकि रोहित अपनी कप्तानी की जिम्मेदारी को संभालता है और साथ में हर एक गेंदबाज को एडवाइस देता है कि किस तरह से उनको गेंदबाजी करवानी है और कहां उनको गेंद फेंकनी है। एक अच्छा कप्तानी कर सकता है। रोहित की कप्तानी में हमने बहुत कुछ सीखा है और अब उम्मीद है कि श्रीलंका के खिलाफ अगले T20 मुकाबले में भी रोहित की बेहतरीन कप्तानी के बलबूते पर हम जरूर जीतेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर विराट कोहली भले ही टीम से बाहर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये शानदार बयान देकर हर किसी का दिल जीत लिया है। बाकी अब आपकी क्या राय है विराट कोहली के इस बयान के बारे में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, शून्य से क्लीन स्वीप किया है। और वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज को 4-4 से ही उत्साहपूर्ण रहती है। तो वहीं दोनों ही टीमों के बीच क्रिकेट की जंग का लंबा इतिहास है और अब 24 फरवरी 2022 को भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। तो वहीं ये मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वहीं इस मैच का टॉस शाम को 6:30 बजे से निर्धारित किया जाएगा और इसके ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 7 बजे से मैच की का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर देख सकते हो। और इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर भी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन दिखाते हुए आज के इस मुकाबले में 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि दोस्तों, अंतिम ओवर ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी के बलबूते पर मात दी और यहां पर हर्षल पटेल को आज 3 सफलताएं मिली, शार्दुल ठाकुर को 2, वेंकटेश अय्यर को 2 और दीपक चाहर को 2। तो ऐसे में दोस्तों, भारत ने 17 रनों से इस मुकाबले को जीता। और अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम की जीत के बाद? हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।